फैशन और लाइफस्टाइल की वीडियो डेली देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डायल लाइफस्टाइल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल डायल लाइफस्टाइल में बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नई क्रीम के साथ आए जिसका नाम है स्किन ब्राइट। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और इसके इंग्रेडिएंट्स पे करेंगे चर्चा, इसमें क्या क्या मिला हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस चीज़ किस पर किस यूज के लिए और उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आने वाली क्रीमों और भी ढेर सारी जानकारियाँ आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलती रहे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं कॉटन के बॉक्स में आता है, ये बिल्कुल 0.00 की जो लेमिनेटेड पन्नी होती है उससे लेमिनेट हुआ है, ये देख सकते हैं ये बॉक्स। और इसको अगर हम लोग इसकी MRP की बात करें, MRP 135 पड़ी हुई है इस पर यहाँ पे, और इसका जो वेट है वो 15 ग्राम है, आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो इसकी पैकिंग तो फिलहाल काफ़ी अच्छी है। अब हम लोग बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पे कि ये किस किस इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी हुई है। तो दोस्तों इसमें स्किन साइन, पेंड्रम, मेलामेट और भी कोई क्रीमें आती हैं, जितनी भी फेयरनेस क्रीम होती हैं सबके इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं लगभग जहाँ तक। तो फिलहाल इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें भी वही बिल्कुल हाइड्रोक्विनोन इसमें भी मिला हुआ है, मोमेटासोन इसमें भी मिला हुआ है जो कि आपको मेलामेट क्रीम में भी मिला होता है, तभी वो आपकी स्किन को जो फेयर होती है मतलब कि ऊपर की स्किन होती है उसको चमड़ी को उधेड़ती है। तो फिलहाल इसके हम लोग इसको खोलेंगे। अब खोलने पे भी देख सकते हैं ये जो इस तरफ अंदर की तरफ जो इनसाइड है वहाँ पे इन लोगों ने भी प्रिंट कर रखा है। तो खोलने पे ये 15 ग्राम का ट्यूब है, काफ़ी छोटा है, जितनी इसकी अच्छी पैकिंग होती है अच्छी ट्यूब की पैकिंग नहीं है, फिलहाल नॉर्मल पैकिंग में है ये। और इसको जब ओपन करेंगे, हाँ तो देख सकते हैं ये सील्ड होता है, ओपन करने पे सील्ड होता है और यहाँ पे पन्नी लगी हुई है, इसको आप हटा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी स्मेल है वो भी बिल्कुल जहाँ तक कि बाकी क्रीमों की तरह भी स्मेल भी इसकी सेम है, एब्जॉर्ब भी ये बहुत जल्दी हो जाती है आपकी स्किन पे, आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको लगाया था तुरंत ही ये एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इसको यूज कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ ये किन किन चीज़ों के लिए। नॉर्मली ये पिंपल, झाइयाँ और लोग फेयरनेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। फिलहाल अगर मैं इसको यूज करने के रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूज़ कीजिए, कोई बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपको इफेक्ट दे रही हैं अच्छा रिजल्ट दे रही है, मतलब कि क्योंकि केमिकल है ये, आप कितने दिनों तक की परमानेंट आप गोरे से नहीं हो सकते हो। तो दोस्तों इसको यूज करने से पहले आप सोच लीजिएगा फिर इसको आप यूज कीजिएगा। फिलहाल अगर आप यूज कर रहे हैं तो एक नाइट क्रीम है, ये केवल रात को लगाइएगा क्योंकि अगर आप दिन पे लगाएंगे तो उसको आपसे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देगी ये क्रीम आपको, तो आपकी सेहत और स्किन के लिए दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको रात को यूज़ कीजिएगा और नहीं कर रहे हैं तो कभी भी इसको यूज मत कीजिएगा क्योंकि अच्छी क्रीम नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। अगर आप भी आगे आने वाली नई क्रीमों और भी बहुत ढेर सारी जानकारियों के बारे में, बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी चाहते हैं, नई नई क्रीमों और नई नई चीज़ों के कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट के, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मार्केट में कुछ भी नया आएगा उसका अपडेट आपको तुरंत दिया जाएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप ये क्रीम यूज़ करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।